जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, शैक्षिक तकनीकी एंड आईसीटी। इसके फर्स्ट यूनिट में आपको कंप्लीट क्या पढ़ना है, यानी कि फर्स्ट यूनिट का सिलेबस क्या है, पिछले 5 सालों में इस यूनिट से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पढ़ना है और कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो कंप्लीट हम सिलेबस को देखेंगे आज। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हम बात कर रहे हैं महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी की। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में दोस्तों। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आपको इसमें फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ की। तो इसमें हम बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, यानी कि शैक्षिक तकनीकी एंड आईसीटी। इसको कहते हैं आईसीटी को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। कम्युनिकेशन का मतलब संप्रेषण तकनीकी, ये आपका पूरा सब्जेक्ट्स का नाम है। इसकी फर्स्ट यूनिट की हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब आइए फर्स्ट यूनिट में आप देखेंगे तो फर्स्ट यूनिट में आपको कंप्लीट 3 पॉइंट्स दिए गए हैं आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। वो कौन कौन से पॉइंट है? पहला आपका है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दूसरा ट्रेनिंग स्ट्रेटेजीज और तीसरा एक थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट आपका क्या है? पहला पॉइंट है बच्चों मीनिंग, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। यानी कि आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मीनिंग, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या होता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते किसे हैं, हिंदी में इसको कहते हैं शैक्षिक तकनीकी। तो शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या होता है, इसका इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, शैक्षिक तकनीकी के कौन कौन से क्षेत्र है, किस क्षेत्रों में, किस स्कोप्स में, किस साइट्स पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज होता है और इसके सिग्निफिकेंस यानी कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको पढ़ना है इस पॉइंट में, ठीक है। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें बच्चों तो सेकेंड पॉइंट है आपका ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज। ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी, आप सब बीएड में हम क्या करते हैं बच्चों, हम बीएड में ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, एजुकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं कि हमें कैसा शिक्षक बनना है फ्यूचर में, करेक्ट। तो आपको डेमोन्स्ट्रेशंस, इसको कहते हैं प्रदर्शन विधि, आप जब टीचर बन जाएंगे तो किस स्ट्रेटेजी से आपको बच्चों को पढ़ाना है। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब बस इतना समझ लीजिए कि कोई चीज़ आप बता रहे हैं, कुछ चीज़ें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको उसका डेमो भी दिखा रहे हैं, तो वो एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है। इसको कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे, पहले अभी इस यूनिट को देख लें। दूसरा दोस्तों प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम लर्निंग मतलब इसको प्रोग्राम अधिगम कहते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस मटेरियल लीनियर एंड ब्रांचिंग, आपको इसके बारे में पढ़ना है। ओके, इंट्रैक्शन एनालिसिस, आपको इंट्रैक्शन एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। और लास्ट पॉइंट है सिमुलेशंस और माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे सवाल पूछा जाए, सूक्ष्म शिक्षण इसको हिंदी में कहते हैं। आपको बीएड में सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग करना भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती क्या है, इसके फायदे क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में पढ़नी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट वो है आपका थिंकिंग स्किल, कि एक बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है, वो कैसे सोच सकता है, इसके बारे में आपको जानना है। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट, आपका कंप्लीट ये जो है आपका फर्स्ट यूनिट है, आपको इसी के अंदर से पढ़ना है और इसी के अंदर से सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक वीडियो में हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की अर्थ अवधारणा, इसकी कॉन्सेप्ट मीनिंग क्या होते हैं। अब हम जब इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको समझना बड़ा जरूरी है। इस पॉइंट में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देते हैं कि पिछले 5 सालों में इसमें से किस तरीके से या कौन से टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देंगे तो हमारा पहला पॉइंट क्या था बच्चों, हमारा पहला पॉइंट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मीनिंग, कॉन्सेप्ट, स्कोप्स एंड सिग्निफिकेंस। तो आपका पहला पॉइंट आ जाता है शैक्षिक तकनीकी, यानी शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है। दोस्तों अगर हम आसान से शब्दों में कहें, मैं एक्सप्लेन बहुत स्लाइटली कर रहा हूँ क्योंकि एक सेपरेट वीडियो में हम इस सब को देखना है, बट थोड़ा सा आपको बता दूं कि शैक्षिक तकनीकी होता क्या है। आप इस वीडियो को कैसे देख रहे हैं, एक मोबाइल, एक गैजेट के सहारे देख रहे हैं, ठीक है, ये एक शैक्षिक तकनीकी का उदाहरण है। तो शैक्षिक तकनीकी का बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यह है बच्चों कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों का प्रयोग, ठीक है, वैज्ञानिक और ज्ञान और सिद्धांतों का प्रयोग, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का इस्तेमाल शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि जब हम बात करते हैं ना वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग, तो हमें अक्सर ये लगता है कि जैसे टेक्नोलॉजी में मोबाइल डिवाइसेस इसी की बात होती है, लेकिन हम एक हद तक भूल जाते हैं कि मनोविज्ञान भी एक विज्ञान का पार्ट है, ठीक है। तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का इस्तेमाल,
शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का इस्तेमाल, शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल शैक्षिक तकनीकी कहलाता है, मनोविज्ञान का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मान लीजिए आप टीचर बन गए। अच्छा, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपके सिलेबस में ये चीजें रखी क्यों जाती हैं। मान लीजिए आप टीचर बन जाते हैं या बन जाती है, कोई बच्चा पढ़ने में लापरवाही कर रहा है या फिर पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है। आपको पता है मनोवैज्ञानिक एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उसको कहते हैं ना एक मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, आप उसको मोटिवेट करिए। अगर वो एक आंसर बताता है ना तो क्लासरूम में उसको मोटिवेट करिए, उसकी तारीफ करिए, उसको लगेगा कि यार मैं उसके अंदर एक क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, और उस कॉन्फिडेंस से आप देखिएगा वो आगे मेहनत करता है। तो ये थॉट जो है, ये मेथड जो है, ये कॉन्सेप्ट आपको साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, मनोविज्ञान से डिपेंड करता है, ये भी एक साइंस का पार्ट है। तो इस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो यही सारी चीजें बच्चों शिक्षा के क्षेत्र में यूज करना, जैसे माइक्रो टीचिंग हो गया, माइक्रो टीचिंग हो गया, या फिर ऑडियो विजुअल्स ऐड, एक और शब्द आता है ऑडियो विजुअल्स ऐड, जिसमें ऑडियो और विजुअल्स कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसे एड्स हैं जो कि हमें दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं, तो उनका इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में। ये कंप्लीट चीजें क्या होती है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है, ठीक है। ये इसके अर्थ और अवधारणा के बारे में बात हो रही, हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे कॉन्सेप्ट, बस हम ये देख लेते हैं हमको पढ़ना है। अगर परिभाषा की बात करें, इसके उद्देश्य, विशेषताएं, क्षेत्र, प्रकार, तो इन सारी चीजों में, जैसे कि अगर उद्देश्य की बात करें तो हम क्यों टीचिंग में टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ताकि बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे, उसके लिए रोचक बने, आसानी से समझ में आ जाए। एक और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि उसका संरक्षण हो सके, हम स्टोर कर सके, सेव कर सके, उसको एक्सप्लोर कर सके, प्रसार कर सके। ये वो सारे पॉइंट है जो कि आपको इसमें पढ़ना है। क्षेत्र के बारे में बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से स्कोप्स होते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, तो टीचिंग, भाई टीचिंग में तो टेक्नोलॉजी यूज होता है, इवैल्यूएशन मूल्यांकन में भी होता है, और फीडबैक फीडबैक भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। फीडबैक ले लीजिए, फीडबैक में भी यूज होता है। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, ट्रेनिंग में यूज होता है, प्रैक्टिकल में होता है, प्रोजेक्ट में होता है, ये सारी वो चीजें हैं, वो स्कोप्स हैं जहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो मैं बस आपको बस स्लाइटली बता रहा हूँ कि आपको इस पूरे यूनिट में पढ़ना क्या, बड़ा मजा आएगा जब हम इसको पढ़ेंगे वन बाई वन, ठीक है। अब आइए, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों, कई बार अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं, मगर इससे कई सवाल आए हैं, हमेशा से सवाल आए हैं, वो क्या है, द अप्रोचेस ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अप्रोचेस। अप्रोच का मतलब क्या होता है, अप्रोच का सिंपल सी बात है, हिंदी में तो इसको उपागम कहते हैं, हिंदी से कम समझ में आती है अप्रोच का मतलब। अप्रोच का मतलब होता है ना कि कोई एक जरिया बन जाना, किसी के माध्यम से वहां तक पहुंच जाना। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में अप्रोच क्या होता है, ठीक है, इसके तीन टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं, कठोर उपागम, कोमल उपागम और प्रणाली उपागम, यानी कि हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच, ठीक है। एक थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। तो हार्डवेयर अप्रोच का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये डिवाइस है, ये गैजेट है कोई मेरे पास, मैं इसको छू सकता हूँ, मैं इसको देख सकता हूँ, मैं इसे फील कर सकता हूँ, ये हार्डवेयर पार्ट में है। तो वो सारे डिवाइसेस, वो सारे यंत्र, वो सारे मैकेनिकल चीजें जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसका एजुकेशन में यूज ये हार्डवेयर अप्रोच के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, ये सारी चीजें, प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें हार्डवेयर अप्रोच के अंतर्गत आती है। दूसरा है कोमल, यानी कि सॉफ्टवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच में आप टेक्नोलॉजी तो यूज करते हैं, आप साइंस तो यूज करते हैं, मगर आप उसको देख नहीं पाते। तो वास्तव में यहाँ पे हम साइकोलॉजी यूज करते हैं, यहाँ पे साइकोलॉजी यूज करते हैं उन चीजों को, ठीक है। तो साइकोलॉजी हम यहाँ पे जब यूज करेंगे, आप जैसे किसी की तारीफ करना, या किसी को, जैसे आपने अक्सर देखा होगा बच्चों को एग्जाम्स में, अगर हम गुड दे, एग्जाम में नहीं, क्लासरूम में अगर उनके नोटबुक चेक करते हुए हमने उसको गुड दे दिया, तो उसके गुड पाने से उसके अंदर एक पढ़ने की इच्छा जाहिर होगी, वो खुद से और मेहनत करेगा। आप इस चीज को देख नहीं सकते। तो मोटिवेशन हो गया, फीडबैक हो गया, आप उसको कैसे समझा रहे, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये वो सारी चीजें जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है। मनोविज्ञान का इस्तेमाल, जैसे इस हार्डवेयर में कहा जाता है कि यांत्रिक विज्ञान, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बनी डिवाइसेस यूज करते हैं, और यहाँ पे कोमल में कहा जाता है कि मनोविज्ञान। तो जब हम मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का यूज करते हैं, मनोविज्ञान का यूज करते हैं, तो उस तरीके के अप्रोच को कोमल अप्रोच कहते हैं। और प्रणाली उपागम क्या होता है, इन दोनों के बीच की कड़ी होती है, इसमें कोई बाध्य नहीं होता, इसमें दोनों को यूज किया जा सकता है, मतलब एक ऐसे प्रणाली उपागम जिसमें दोनों की सहायता से काम किया जाता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको पढ़ा नहीं रहा था, आई एम सो सॉरी टू से, तो इसमें मैं आपको बस ये बता रहा था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। कुछ हद तक समझ में आ गई होंगी, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, मजा आ जाएगा जब इस चीज़ों को पढ़ा जाएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। अब हम करेंगे क्या, हम एक वीडियो में
इन सारे पॉइंट्स को, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि नोट्स हमें कैसे लिखना है। तो नोट्स की पीडीएफ के साथ ही साथ, जैसे मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करी, ठीक वैसे ही नोट्स में पीडीएफ के साथ साथ मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में मीनिंग। तो उसमें मीनिंग में ये दिखाया जाएगा कि शैक्षिक तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस तकनीक, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान एवं सिद्धांतों का प्रयोग कर शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। तो इस तरीके से बेहतरीन एक नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन वो अगले वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही साथ हम कुछ और एजुकेशनिस्ट के, उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया, उन्होंने कैसे अपने शब्दों में परिभाषित किया वो भी देखेंगे, ठीक है। इसके अर्थ, परिभाषा और उसके उद्देश्य जानेंगे, 10 पॉइंट या 8 पॉइंट इसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य को समझेंगे, इसकी विशेषताएं क्या हैं वो भी हम जानेंगे, इसके क्षेत्र क्या हैं, इसके प्रकार, सॉरी मैंने प्रकार के बारे में बात नहीं करी। अगर प्रकार के बारे में बात करें तो यहाँ पे 4 प्रकार आपके सिलेबस में दिए गए हैं और आपको इन 4 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। वो चारों प्रकार कौन कौन से है? पहला बिहेवियरल टेक्नोलॉजी यानी कि व्यवहार तकनीकी, दूसरा इंस्ट्रक्शनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि अनुदेशन तकनीकी, तीसरा है दोस्तों इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, और चौथा टीचिंग टेक्निक यानी कि शिक्षण तकनीक। तो ये 4 तकनीक आपको इसके प्रकार में पढ़ना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे हम चारों पॉइंट्स को भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन अगले वीडियो में। सो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। हर एक अब आपके विश्वविद्यालय के हम कोर्सेस ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, पहले आपके विश्वविद्यालय के हम सिलेबस को देख लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अगले वीडियो में उस सिलेबस में क्या पढ़ना है उन सारी चीज़ों को देख लेंगे, और इस तरीके से करके वन बाई वन। अब बहुत टाइम नहीं लगना है, मतलब मुश्किल से 2 वीडियोस में आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, और ठीक वैसे ही 2 से 3 वीडियो में सेकेंड यूनिट, और मतलब टोटल आपके अगर 5 यूनिट हैं तो टोटल 10 से 12 वीडियोस में आपका पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस उसके लिए आपको क्या करना है, मेरा साथ देना है, और मुझे खुशी होगी अगर आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस चैनल से जुड़ना होगा, आपको अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाना होगा। सो मैं आशा करता हूँ आप अपना प्यार सहयोग ज़रूर मेरे साथ रखेंगे, इस वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएंगे, और पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप इस मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। बाकी कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, और अगले वीडियो को देखना ना भूलें। इसी डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसके एक ही वीडियो में इस फर्स्ट यूनिट के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हमने देखा अभी, उसके आंसर्स नोट्स प्रॉपर नोट के साथ आपको शेयर किए गए होंगे। उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन होगा और डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे देखना ना भूलें। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ नोट्स जरूर बनाइएगा, सेल्फ स्टडी जरूर करिएगा, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स में लिखने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद जय भारत साथियों।